ओम शांति। आज की तारीख है 27/12/15 और आज हम सुनेंगे अपने प्राण प्यारे न्यारे न्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली। तारीख है 15/3/99 की मार्च मास की मुरली है और आज की मुरली का शीर्षक कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो अपने को राजा समझते हो, नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे, वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। हरेक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में काम कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं, तो आज बाप दादा बच्चों की कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हैं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा से याद प्यार। तो बाप दादा कहते हैं कि चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा अखंड राज्य की पात्र आत्माओं को सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा एक दो को शुभ भावना शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो आज का वरदान है रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। जो युक्ति युक्त चलेगा वो जीवन में मुक्ति का अनुभव करेगा। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही वास्तव में जीवन मुक्त है। स्लोगन है आज का, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। ओम शांति।